खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध, रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया परिवार की ओर से सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जनपद वासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। शनिवार को होगी गोवर्धन पूजा, रविवार को मनाया जाएगा भाई दूज। फिर बात करेंगे हर गांव चीनी मिल में 4 नवंबर को होगा नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ। खबरनामे के अंत में बात करेंगे गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में 4 नवंबर से होगी प्रदेशव्यापी हड़ताल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर सत्यापन का काम पूरा। हर्षोल्लास से मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सीतापुर में पेंट्स की दुकान में लगी आग को बुझाने के लिए बुलानी पड़ी लखनऊ से फायर ब्रिगेड। रात 10 बजे के बाद नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे, पुलिस की रहेगी निगरानी। लखीमपुर की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने वृद्धाश्रम में बांटी दीपावली की खुशियां। लखीमपुर में निघासन वन रेंज में तेंदुआ देखे जाने से दहशत। बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर फाड़ने पर सपा नेता गिरफ्तार। विधानसभा के उपचुनाव में 5 नामांकन वापस, मैदान में 90 प्रत्याशी। आई इंडिया पर खबर प्रसारण के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ एवं कटान पीड़ितों को दीपावली पर्व पर मदद पहुंचाई। एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, लेखपाल सौरभ, संदीप यादव के साथ रेवसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मेओली छोला के दोसपुरवा पहुंचे। गांव के बाद बाढ़ व कटान पीड़ितों को मोमबत्ती व मिठाइयाँ बांटी गई और बच्चों को बिस्कुट आदि का वितरण भी किया गया। यूपी के सीतापुर में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने नागरिकों को प्रकाश पर्व दीपावली की शुभकामनाएं दी है। जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने आम आवाम से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पर्व को प्रेम और सौहार्द के साथ मनाने का आह्वान किया है। अपर जिला जज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र त्रिपाठी, सांसद राकेश राठौर, जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, नगर विकास मंत्री राकेश राठौर, गुरु कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्र, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, एडिशनल एसपी उत्तरी प्रकाश कुमार, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी डॉक्टर नीरीश चंद्र साहू, जिला सूचना अधिकारी लाल कमल, धर्मगुरु आशीष शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता कमल नयन आर्य आदि ने जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और सभी के सुख समृद्धि की कामना की है। सीतापुर में जनप्रतिनिधियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों ने भी आम जनमानस को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एमएलसी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सहित पार्टी जिलाध्यक्ष ने सभी के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि एवं खुशहाल भविष्य की कामना की है। एमएलसी पवन सिंह चौहान, एमएलसी जासमीर अंसारी, विधायक अनिल वर्मा, विधायक मनीष रावत, विधायक शशांक त्रिवेदी, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी और पूर्व सांसद केसर जहां, पूर्व सांसद और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी पंडित रामगोपाल मिश्रा और पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक और सपा राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, पूर्व विधायक अजित मेहरोत्रा, भाजपा जिला प्रभारी नीरज सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, बसपा जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, रालौत प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान आदि ने सभी जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी।
दीपावली के पर्व पर लोगों को पंच उत्सव की खुशियां बांटते हुए नगर निकाय के चेयरमैनों ने अपने अपने क्षेत्र के नागरिकों के सुख समृद्धि की कामना की है। अध्यक्षों ने अपील की है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर दीपावली का पर्व मनाएं। वहीं नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, चेयरमैन प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन बेबी गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, नगर पालिका बिस्मा पुष्पू जायसवाल, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद मोहम्मद अहमद, नगर पालिका परिषद लहरपुर हाजी जावेद, नगर पालिका परिषद मिश्रिक चेयरमैन मुन्नी देवी, चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खां, नगर पंचायत पैतेपुर चेयरमैन जैनब जहां, नगर पंचायत सिधौली गंगाराम राजपूत, नगर पंचायत तंबौर चेयरमैन तैबुन, नगर पंचायत मोहली चेयरमैन केतुका ने नागरिकों को प्रकाश पर्व की बधाई दी है। प्रकाश पर्व दीपावली के पंचोत्सव में शामिल गोवर्धन पूजा इस साल अमावस्या के अगले दिन न मनाकर दूसरे दिन अर्थात शनिवार को परंपरागत ढंग से मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। आचार्य संदीप शुक्ला धनंजय ने बताया कि चूंकि 1 नवंबर को शाम 5:12 तक अमावस्या का मान रहेगा, इसलिए गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को की जाएगी, जबकि भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। सीतापुर में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है कि सीतापुर की चीनी मिलों की चिमनियों से नवंबर के पहले सप्ताह में ही धुआं निकलने लगेगा, यानी कि निजी चीनी मिल नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ करेगी। सबसे पहले 4 नवंबर को हरगांव चीनी मिल में पेराई शुरू होगी, जबकि रामगढ़ और जवाहरपुर चीनी मिल के चलने की तिथि 6 नवंबर तय की गई है। जिला गन्नाधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि 12 नवंबर को बिस्मा चीनी मिल और 29 नवंबर को महमूदाबाद चीनी मिल में पेराई शुरू होगी। इसके अलावा सीतापुर के किसानों से गन्ना खरीदने वाली अजबापुर हरियावा एरा चीनी मिलें 25 अक्टूबर से चालू हो चुकी हैं, जबकि कुंभी चीनी मिल 6 नवंबर को और हैदरगढ़ चीनी मिल 10 नवंबर को चले जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर सीतापुर में सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। अब शासन स्तर से इन केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए जाने में राजकीय इंटर कॉलेजों को प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद सहायता प्राप्त व तीसरे चरण में वित्त विहीन कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह के मुताबिक सीतापुर में 432 माध्यमिक इंटर कॉलेजों में से यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तहसील व इन कॉलेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है। सभी कॉलेजों में सीसीटीवी, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं। आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यकर्ता शहर के तामसेनगंज लक्ष्मी टाकेज स्थित आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा के पास पहुंचे और माल्यार्पण किया। सपा छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने इस मौके पर कहा कि आचार्य नरेंद्र देव का संघर्ष, विचारधारा और सिद्धांत हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस मौके पर गुलफाम अहमद, रजनीश राठौर, रुद्र प्रताप सिंह, जितिन पाल, अनुज पाल, अखिलेश वर्मा मौजूद रहे। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन शास्त्री सभागार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में संस्था के चेयरमैन आर के वाजपेयी ने संबोधित किया। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य आर जे वर्मा, राकेश शुक्ल, शिव सेवक मिश्र, नवनीत पांडे, प्रतिभा सिंह, उज्ज्वल वर्मा, निर्जला वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने महमूदाबाद के रामकुंड चौराहे पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने इस मौके पर कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था, आजादी में उनकी अग्रणी भूमिका रही। इस मौके पर उनके साथ कई सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती शहर सहित समूचे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सीतापुर शहर के नेपालापुर स्थित पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा ने कहा कि सर्व समाज को सरदार पटेल की जीवन परिचय को पढ़ना चाहिए। इस मौके पर नीरज वर्मा झल्लर, एसपी सिंह वर्मा, डॉक्टर ओएन वर्मा, रविंद्र कुमार वर्मा, नीरज कुमार वर्मा, कृष्ण मोहन पटेल, अनुपम वर्मा गुप्ता और आर के अहिरवार, विनय हंस, अनिल वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, नीरज कुमार शुक्ला, हरिकेश वर्मा, राजकिशोर सिंह वर्मा, प्रदीप कुमार वर्मा, अनिल सिंह, नीरज कुमार वर्मा, नितिन वर्मा, अनूप कुमार वर्मा, आलोक वर्मा, संतोष कुमार वर्मा, चंदन वर्मा, संतोष वर्मा, अनूप चौधरी, राजेश सिंह, प्रतीक सिंह और शेखर, यशवंत वर्मा, अवनीश पटेल, मनोज कुमार वर्मा मौजूद रहे। दीपावली पर्व पर जरूरतमंदों की मदद के लिए इस बार भी बिस्वानगर के समाज सेवी और व्यवसायी राजकुमार जैन बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं। उन्होंने नगर के मोहल्ला मुरावटोला और ग्राम कुरैनी अहमदाबाद में जरूरतमंद परिवारों को गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, मोमबत्तियां, मिठाई आदि भेंट किया है। प्रकाश पर्व पर जरूरत का सम्मान पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई है। उन्होंने कहा कि अब वह भी खुशी खुशी दीपावली मना सकेंगे। इस मौके पर राजकुमार जैन के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सीतापुर में उचित दर विक्रेताओं की दीपावली फीकी रही। कई बार मांग किए जाने के बावजूद कोटेदारों को दीपावली पर्व पर भी उनके कमीशन का पैसा उन्हें नहीं मिल सका। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स ने विगत दिनों विरोध प्रदर्शन करते हुए कमीशन बढ़ा जाने की भी मांग की थी। बावजूद इसके कमीशन बढ़ाना तो दूर रहा, पर्व से पहले उन्हें सितंबर और अक्टूबर माह का कमीशन भी नहीं मिल पाया है। एसोसिएशन के कोटेदारों ने बताया कि उन्हें प्रति क्विंटल 90 रुपया कमीशन मिलता है, फिर भी उसका भुगतान पर्व से पहले नहीं किया गया।
कोतवाली सिधौली क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित हनुमंत हार्डवेयर एंड पेंट्स के दुकान में गुरुवार को अचानक आग लग गई। यह दुकान मोहल्ला प्रेम नगर निवासी शिवशंकर कौशल की बताई जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अनफाना में लोगों ने इसकी जानकारी फायर स्टेशन सिधौली को दी, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि बेसमेंट की तीसरे मंजिल तक पहुंच चुकी। बताया जाता है कि आग से लाखों का नुकसान हुआ है। सिधौली फायर स्टेशन प्रभारी विजय बहादुर के मुताबिक करीब 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग पर नियंत्रण पाने के लिए बिस्वा बक्सी का तालाब और टोंजा की फायर ब्रिगेड को भी बुलाना पड़ा। एकल अभियान कुतुबनगर की मासिक बैठक श्री शिवपाल सिंह जूनियर हाई स्कूल में हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर समीक्षा भी की गई। बैठक में संच अध्यक्ष सर्वेश कुमार, संच सचिव इंडिया सिंह, पप्पी देवी, मधु गौतम, शालिनी देवी, पूनम मौर्य, दुर्गेश अवस्थी, संतोष सिंह, आत्माराम, विपिन कुमार, अर्जुन लाल मौजूद रहे। दीपावली पर इस बार जुआ खेलने वालों की खैर नहीं है। सीतापुर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। यही नहीं, रात 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने आई इंडिया को बताया कि प्रोफेशन जुआरियों को लेकर सभी थानों को अलर्ट किया गया है। कहीं भी अगर छोटा बड़ा जुआ खेले जाने की शिकायत संज्ञान में आई तो जुआरियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार 10 बजे के बाद आतिशबाजी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामिया को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इनामिया बदमाश के खिलाफ थाना मोहली में कई मुकदमे दर्ज हैं या पिछले काफी दिनों से चकमा दे रहे थे और गुरुवार को इलाके के शहादत नगर जगना मोड़ पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली। SP चक्रेश मिश्र ने बताया कि थाना तंबौर क्षेत्र के जालिमपुर का रहने वाला विजय लोनिया सातिर अपराधी है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। सीतापुर शहर के GIC मैदान पर सजी पटाखा की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। ग्राहक अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद की आतिशबाजी खरीद रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक ग्राहकों द्वारा बम और सुतली बम की काफी मांग की जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर शहर में वैसे तो आतिशबाजी की दुकान GIC मैदान पर सजाई गई है, लेकिन रेलवे स्टेशन के सामने ख्वाजा गरीब नवाज की दुकान पर भी आतिशबाजी खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है। बताया जाता है कि इस दुकानदार के घर में कई पीढ़ियों से पटाखों का कारोबार होता चला आ रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने खुशियां बांटने वृद्धा आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने वृद्धजनों को मिठाई उपहार वितरित कर उनका आशीर्वाद लिया। DM ने वृद्धजनों से साथ दीपावली मनाकर उन्हें अपनेपन का एहसास कराया। इस दौरान DM बोली कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना हर्ष की बात है। लखीमपुर खीरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दीपावली पर दीपोत्सव की धूम भी रही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक रवि भूषण साहनी, प्रधानाचार्य अरविंद सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर आलोक अवस्थी, आचार्य श्रीधर, अजय त्रिपाठी, आलोक अवस्थी सहित शिक्षक मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के उत्तर निगासन वन रेंज में लगातार तेंदुआ देखा जा रहा है। तेंदुआ देखे जाने से दलराजपुर सहित आसपास के गांवों में दहशत है। तेंदुए विचरण करते हुए CCTV में भी कैद हुए हैं, जिससे आसपास के इलाके के लोग डरे और सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले धौरारा रेंज में एक तेंदुए की बड़ी मुश्किल से पिंजरे में कैद हुआ था और जिसके बाद अब दूसरा तेंदुआ फिर देखा गया है। ऐसे में वह लोग डरे और सहमे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र उपहार भेंट कर उनके सुखमय जीवन की कामना की। समारोह में मुख्य आरक्षी रामपाल सरोज, चालक पूरन सिंह आदि को विदाई दी गई। दीपावली पर्व को देखते हुए लखीमपुर खीरी की प्रमुख बाजारों में पुलिस बल निगरानी करते हुए मुस्तैद रहा। शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस जवानों ने प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और मुख्य बाजारों में भ्रमण किया। पुलिस जवानों के नेतृत्व SP गणेश प्रसाद साहा ने करते हुए दुकानदारों को भी सतर्क और सावधान रहने के प्रति प्रेरित किया। लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया विधायक रोमी साहनी ने जरूरतमंद के घर पहुंचकर 25,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की है। बता दें कि क्षेत्र के मजगई के रहने वाले बाबूराम की सांसें बाघ के हमले में थम गई थी। इसके बाद उनका परिवार शोक में डूब गया था। विधायक रोमी साहनी ने बाबूराम के घर पहुंचकर परिवारजनों को ढांढस बंधाया और 25,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की। अब खबरें प्रदेश से। CM योगी के इस नारे की बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत ही नहीं तेज हुई है, नफरत भी सामने आई है। दरअसल आगरा फतेहाबाद रोड पर लगी इस होल्डिंग को एक सपा नेता ने
फाड़ दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। बता दें कि ताजगंज थाना क्षेत्र में एक रिजॉर्ट के सामने एक होल्डिंग लगी थी। होल्डिंग पर बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के साथ दीपावली की शुभकामनाएं लिखी हुई थी, लेकिन इसे रात में किसी ने फाड़ दिया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने आक्रोश जताते हुए अज्ञात के खिलाफ संबंधित थाने में तहरीर दी है। तहरीर पर ताजगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और सपा नेता को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे के आधार पर होल्डिंग फाड़ने वाले पंकज कसाना तक पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद अब 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। बता दें कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, सीसामऊ, खैर, फूलपुर, कुंदरकी, मंझवा आदि सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दीपावली पर्व पर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर रहेंगी। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता संस्था ने सभी संचालकों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश दीपावली पर्व को देखते हुए दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में कोई भी व्यक्ति 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले सकता है। 108, 102 एम्बुलेंस सेवा प्रदाता संस्था EMIRI गृह हेल्थ सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट TVS के रेड्डी के मुताबिक दिवाली पर 108 सेवा की सभी एम्बुलेंस मरीजों की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहेगी। यूपी के हरदोई जनपद के एक PCS अफसर इन दिनों अचानक चर्चा में आ गए हैं। दरअसल हरदोई में तैनात PCS अफसर संजय कुमार को विभागीय जांच के बाद शासन ने सस्पेंड कर दिया है। बताया जाता है कि मेरठ में ACM रहते हुए संजय कुमार के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोप के बाद उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। जांच रिपोर्ट के बाद शासन ने उन पर कार्रवाई की है। दीपावली में पटाखे फोड़ने के दौरान अक्सर जलने की घटनाएं होती रहती है। जलने पर घरों में अभिभावकों द्वारा टूथपेस्ट लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले घाव को नल के बहते पानी से धोना चाहिए। KGMU प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार के मुताबिक घाव के धुलने के बाद किसी साफ कपड़े से उस अंग को लपेट दें। जलने वाली त्वचा पर टूथपेस्ट, हल्दी, नमक या किसी अन्य वस्तु को ना लगाएं और डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद उपचार कराएं। यूपी में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव के दौरान प्रयागराज की फूलपुर सीट खास चर्चा में है। दरअसल प्रयागराज की फूलपुर सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन करने वाले कांग्रेस के बागी अध्यक्ष सुरेश यादव के 5 समर्थकों को पार्टी की ओर से नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने सुरेश यादव का समर्थन करने पर नोटिस जारी किया है। अनुशासन समिति ने सभी से 4 दिनों के भीतर नोटिस पर जवाब मांगा है। प्रकाश पर्व दीपावली पर वाराणसी में भाईचारे की अनूठी मिसाल सामने आई है। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारी है। वहीं वाराणसी के लम्ही क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं के जरिए भगवान श्री राम की भव्य आरती उतार कर गंगा जमुनी तहजीब का संदेश भी दिया गया। धर्माचार्य ने बताया कि दीपावली और रामनवमी पर मुस्लिम महिलाएं विधि विधान से भगवान श्री राम की आरती उतारती हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य आम लोगों तक भाईचारा और शांति के संदेश देना है। यूपी के गाजियाबाद जिला न्यायालय में वकीलों पर लाठीचार्ज से उठा विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। यूपी बार काउंसिल ने गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में वकीलों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बार काउंसिल ने यह मांग भी की है कि इस मामले में जाँच कर रही काउंसिल के 5 सदस्यों की समिति की आख्या आने के बाद न्यायिक, प्रशासनिक और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। दीपावली की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब सड़क हादसे में 6 लोगों की सांसें थम गई। पुलिस के मुताबिक मिर्जापुर निवासी अतुल, बरेली के कन्हाई, उनकी पत्नी कुसुम, बेटा कार्तिक और बेटी सीनू आदि नोएडा से दीपावली पर्व पर अपने घर जा रहे थे। बदायूं दिल्ली मार्ग पर मुजरिया थाना क्षेत्र के सड़क हादसे में यह सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह सभी एक लोडर में बैठकर जा रहे थे कि मुजरिया के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने भी लोडर में पीछे से टक्कर मार दी और डिवाइडर में जा टकराई, जिससे हादसे में 6 लोगों की सांसें थम गई हैं। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। अयोध्या में 30 अक्टूबर को हुए दीपोत्सव समारोह में अब वाद विवाद शुरू हो गया है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें दीपोत्सव में नहीं बुलाया गया, यह भाजपा की सोच और उनकी विचारधारा है। त्योहारों के राजनीतिकरण से देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी गंगा जमुनी संस्कृति के विपरीत भाजपा काम कर रही है। इस पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने सपा सांसद पर पलटवार करते हुए कहा कि वह झूठ बोल रहे हैं। उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा भी गया था और यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के चलते दीपोत्सव में उनके लिए कुर्सी भी आरक्षित थी, फिर भी वे अपनी तुष्टिकरण की मानसिकता के चलते नहीं आए।
प्रकाश पर्व दीपावली गोरखपुर के वन टांगिया गांव के वासिंदों के लिए ढेरों सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव पर्व पर 185 करोड़ का दीपावली गिफ्ट दिया। मुख्यमंत्री जंगल तिकोनिया नंबर 3 में वन टांगिया दीपोत्सव मनाने पहुंचे थे। सीएम ने जिले की 74 ग्राम पंचायतों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए 185 करोड़ रुपयों की सौगात दी है। इसके लिए जल निगम द्वारा पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। यही नहीं, 32 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट से 34.66 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए विकास कार्य लोकार्पित किए गए। कुंदरकी में भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों की मौजूदगी में मंच से पुलिस को लेकर अजीब बयान दिया है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। भाजपा के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने एक डायरी को दिखाते हुए कहा कि जब आप लोग कुंदरकी उपचुनाव जीत जाओगे तो तुम लोग जब मोटरसाइकिल से जा रहे होगे, अगर कोई सिपाही पकड़ लेगा तो यही डायरी दिखा देना, न RC न ड्राइविंग लाइसेंस, यही डायरी सबका लाइसेंस होगा। मुरादाबाद की किसी सिपाही में इतना साहस नहीं होगा कि मोटरसाइकिल रोक ले। दीपावली भाई दूज की छुट्टी के चलते सभी दर्शकों के लिए अब खबरनामा का अगला एपिसोड 3 नवंबर को उपलब्ध हो सकेगा। आई इंडिया महत्वपूर्ण खबरों को आप तक पहुंचाता रहेगा। यह था आज का खबरनामा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर सीतापुर।